अयोध्या में भगवान श्री राम के आने का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। भरत जी महाराज कह रहे हैं अवधि बीतने वाली है पर प्रभु नहीं आए, कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया। इतने में श्री हनुमान जी महाराज आकर संदेश देते हैं, अब आप अपना शोक त्याग दो, भगवान श्री राम आने ही वाले हैं। अयोध्या तैयार की गई, पूरा अयोध्या पूरा अवध तैयार कर दिया गया मेरे भाई बहन, पूरा अयोध्या तैयार कर दिया गया। ऐसे जैसे दीपावली मनाई जा रही है, दीपों से पूरी अयोध्या सजा दी गई। जो 14 वर्ष पहले अंधेरा छाया था, आज वो अंधेरा मिटने के कगार पे पहुंच गया मेरे भाई बहन, आज वो अंधेरा मिटने के कगार पे पहुंच गए। भगवान श्री राम आए, दशरथ जी महाराज भी कहते हैं रावण के वध के बाद वो प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आए, परंतु यहाँ पर कौशल्या कैकेयी सुमित्रा श्री वशिष्ठ जी महाराज को श्री राघवेंद्र सरकार प्रणाम करते हैं। प्रभु जाना कैकेयी लजानी प्रथम तास ग्रह गए भवानी। प्रभु ने देखा कैकेयी थोड़ी सी शर्मा रही है, उन्हें लज्जा है, तो सबसे पहले उन्हीं के घर में मेरे प्रभु गए। उनसे बड़ा दयालु कौन होगा, उनसे बड़ा कृपालु कौन होगा। जानते हैं अगर कैकेयी नहीं होती तो आज इस राम का दर्शन पूरी दुनिया को नहीं होता जो आज हो रहा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सरयू में स्नान किया चारों भाइयों, और स्नान करने के बाद राजगद्दी पर अब विलंब मत करिए, तुरंत तिलक कर दीजिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, आज ही कर दीजिए। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, फिर सब विप्रन आयसु देना। भगवान श्री राम का प्रथम तिलक मुनि वशिष्ठ जी ने किया, और फिर सभी ब्राह्मण और इत्यादि माताएं उनकी आरती उतारने लगी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आप जहां हैं सभी लोग सर ढकें बैठें, और यहां पर आपको पूरे 9 दिन की राम कथा का लाभ मिल सके ऐसा प्रयास करें। जहां हैं वहीं बैठ जाइए। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे। रामाय राम भद्राय, रामाय राम भद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतये नमः, सीताया पतये। भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, धनुष को तोड़कर सभी राजाओं का मान भंग करते हैं, सीता जी के साथ विवाह करते हैं, माता पिता की आज्ञा मानकर वन के लिए चले जाते हैं। 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं, यहाँ पिताजी का स्वर्गवास होता है, भरत मिलन होता है, उसके बाद सीता जी का हरण होता है, सुग्रीव से मिलन होता है, लंका का दहन होता है, फिर प्रभु के हाथों से अनेकों अनेक राक्षस मारे जाते हैं, और उसके बाद सीता जी को साथ में लेकर मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए वापस आते हैं। राजा राम जानकी रानी आनध अवध अवध रजधानी। भगवान श्री राम का ये रामचरितमानस जो हम सबके मनों में स्थित है, उपस्थित है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।